गुड मॉर्निंग फादर इंडिया। कहाँ जा रहा है? फिर से लंदन? नहीं बाबूजी, दुकान जा रहा हूँ। ऐसे कपड़े पहनकर? बाबूजी क्या है क्या लंदन में सब लोग ऐसा कपड़ा पहन के काम पे जाते हैं? बस अभी बहुत हो गया, ये लंदन लंदन खेलना बंद कर और ये बाल बाल कटवा के इंसान बन। जी बाबूजी। अरे बहू। हाँ जी बापूजी। ये चौघड़िए के हिसाब से आज का दिन इस महीने का सबसे अशुभ दिन है, तो हो सके तो घर से बाहर मत जाना। ठीक है बापूजी। गुड मॉर्निंग जेम्स। गुड आफ्टरनून जेठा भाई। अरे हाँ, दोपहर हो गई। क्या बात है, आज सूट बूट में? अभी लंदन जाके आया ना। और छोटा जेम्स कैसा है? चला मिलते हैं। आइए आइए आइए, कहिए साहब, आप क्या खरीदना चाहेंगे? टीवी, फ्रिज, मोबाइल? अरे कुदरत की लीला भी अपरंपार है, आप तो बिल्कुल मेरे सेठ जेठालाल गड़ा जैसे ही लगते हैं। नटो काका, मैं आपका सेठ जेठालाल गड़ा ही हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है, मेरे सेठ जी तो लंदन गए हैं। अरे मैं लंदन से आ गया। अरे आप लंदन से कब आए? कल। अरे तो सेठ जी आपने मुझे खबर क्यों नहीं की? मैं एयरपोर्ट पर आपको छोड़ने आया था, तो लेने भी आता ना। इसीलिए नटो काका मैंने आपको नहीं बताया। क्या? अच्छा नटो काका ये बताइए कि आपने मुझे सचमुच में नहीं पहचाना? नहीं, आप इधर के बिल्कुल लगते ही नहीं है। तो, लगता हो ना लंदन का फॉरेनर? नहीं, अफ्रीका के जंगल से आए हो ऐसे लगते हो। क्या? और नहीं तो क्या, आप जब लंदन गए थे तो कितने अच्छे बाल थे आपके, और ये क्या बालों का हल करके आ गए आप? एक व्यापारी आदमी को ऐसे बाल अच्छे लगते हैं? नटो काका आप नहीं समझेंगे, ये लंदन का लेटेस्ट स्टाइल है, इसको क्या बोलते हैं वो स्पाइक स्टाइल। ये स्टाइल कराना मैं 25 पाउंड का खर्चा किया मैंने उधर। लो बोलो, बालों के पीछे ऐसा फालतू खर्चा करते हो? और मैं आपसे कहता हूँ सेठ जी मेरी पगार बढ़ाइए, तो वो नहीं बढ़ाते। वो छोड़िए नटू काका, मैं आपके लिए लंदन से गिफ्ट लेके आया हूँ। लंदन से आप मेरे लिए गिफ्ट लाए? क्या क्या? ये देखिए मोबाइल तो है मेरे पास। अरे यार ये क्या क्या? ये देखिए, ये क्या, 50 ग्राम पेड़ा? अरे बॉक्स छोटा है लेकिन उसके अंदर बहुत महंगी चीज है। अच्छा तो मुझे लगता है आप मेरे लिए लंदन से सोने का पेंडेंट लाए हैं। ये क्या? सुनने का मशीन, इसको आप कान में लगाएंगे ना तो आपके कानपुर की स्ट्राइक खत्म। अरे लेकिन सेठ जी मैं थोड़ा बहरा हूँ, मुझे तो सब सुनाई देता है। क्या क्या बोले आप? देखा देखा, नहीं सुनाई दिया ना? तो अभी अच्छा सुनिए, जरा पिछले 15 दिन का हिसाब निकाल कर रखिए, तब तक मैं जरा बैंक में मैनेजर को मिल के आता हूँ। जी सेठ जी। मेरी समझ में नहीं आता, बाकी सब तो मैंने सुना, सिर्फ बीच में सेठ जी क्या बोले वो मुझे क्यों नहीं सुनाई दे? मैया रे
अरे वाह सुनीता, तेरी सब्जी तो आज एकदम ताजी लग रही है। अच्छा मुझे 2 किलो ककड़ी देना और 2.5 किलो गोभी और टोमेटो 2 किलो। नमस्ते नमस्ते भाभी जी। हेलो। और भाई भिंडी कैसे थी? 20 रुपया पाव, 80 रुपया किलो। इतनी छोटी छोटी भिंडी और इतनी महंगी? अरे इससे बड़ी भिंडी और कहीं नहीं मिलेगी। बैंगन कैसे दिए? बैंगन भी वही भाव है साहब। और ये टमाटर? अरे टमाटर 40 रुपया किलो मिलेगा। 40 रुपए किलो? लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। और ये देखिए साहब, ये जो गोभी है वो 30 रुपया किलो है, करेला है वो 25 रुपया पाव किलो आएगा, दूधी 60 रुपया किलो। आपको क्या दूं? हो 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 हो, सारी सब्जियों के इतने ऊंचे दाम, अगर इसी तरह चलता रहा ना तो एक दिन सब्जियां सोने के भाव बिकेगी। हाँ हरे हाँ पोपट भाई, फिर तो औरतें शादी में गहनों की जगह सब्जियां पहनकर जाएंगी। हाँ, और कानों में बाली के जगह बैंगन के झुमके होंगे। और गले में भिंडी का नेकलेस। और हाथ में कंगन की जगह शिमला मिर्च का सेट होगा। आप लोगों को मजाक सूझ रहा है ना? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम सारे सोसाइटी वालों को ये सब्जी वाली से सब्जी लेना कैंसल कर देना चाहिए। हाय जॉनी। तब जाकर इनकी काला बाजारी खत्म होगी और ये सारी सब्जियाँ पानी के दाम बिकेगी। इतनी महंगी होती है सब्जी? अब क्या करूँ सेठ, बारिश ही इतनी देरी से आई है तो इसमें मेरा क्या दोष है? बराबर है पोपटलाल भाई, सब्जी के दाम ज्यादा हो तो भी उपवास तो नहीं रख सकते। हाँ हाँ, हंस तो उपवास के दिन भी उपवास नहीं रख सकते। ठीक है ठीक है भाई, तुम्हारे पास सस्ता क्या है ये बताओ। ये लीजिए नींबू, 5 रुपए के 3 आएंगे, वो भी इतने सूखे हुए, 2 बूंद रस भी नहीं निकलेगा इसमें से, सब्जी कैसे बनाऊंगा मैं? अरे तो आप 10 के 6 ले लीजिए ना। पोपट भाई मैं क्या कहती हूँ, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? ये रोज रोज खरीदी से मुक्ति तो मिल जाएगी आपको। हाँ। फिर हम लोगों को एक नई भाभी की कंपनी भी मिल जाएगी। क्यों? हाँ। यस। भाई सोच तो मैं भी रहा हूँ कई सालों से, लेकिन कोई ढंग का मिलना भी तो चाहिए ना। चलो एक काम करो, 50 ग्राम भिंडी दे दो। हाँ? हाँ? अरे क्या सेठ, 50 ग्राम में आप क्या पकाएंगे और क्या खाएंगे? ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम अपना काम करो। 50 ग्राम से 1 ग्राम भी कम नहीं होना चाहिए। माधवी भाभी आप देखना जरा ठीक से। हाँ सुनीता, एक बार पोपटलाल भाई की शादी हो जाने दो, फिर तो वो किलो किलो में सब्जी लेंगे। जेसिका कहाँ रहते हैं? जेसिका कहाँ रहते हैं? गधा? कौन? गाड़ा। एक्सक्यूज मी। हाँ। जेसिका कहाँ रहते हैं? जेसी गधा? हमारी सोसाइटी में जेसी गधा करके कोई रहता है? नहीं, अपनी सोसाइटी में तो इस नाम का कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इस सोसाइटी में जेसी गधा नाम का कोई भी नहीं रहता। मतलब नो वन स्टेज हियर नेम जेसी गधा। हाँ हाँ, हमारी सोसाइटी में हाथी है, पोपट है, लेकिन अभी तक कोई गधा तो नहीं है बाबा।
अरे सुनीता, ये आसपास के सोसाइटी में कोई ये नाम वाला है? नहीं भाभी, मुझे तो कोई पता नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है पीछे जो नई सोसाइटी बनी है ना, उसमें कोई नया रहने को आया होगा। ओह यस यस मैडम, यू गो टू द बैक साइड सोसाइटी, देयर यू माइट फाइंड जेसी गदा। नो नो, टैक्सी वाला हमको बोलना ये सोसाइटी है। अच्छा, एक्सक्यूज मी, आपको कौन सी सोसाइटी में जाना है? हाँ, सोसाइटी का नाम और एड्रेस तो बताओ। गोकुल धाम सोसाइटी, हर गली। वो तो यही सोसाइटी है। हाँ, ये तो हमारी सोसाइटी है। हाँ। आप जिसको ढूंढ रही है उनका कोई आइडेंटिफिकेशन या वो कैसे दिखते हैं वैसा अगर आप कुछ बता पाएंगी तो इट माइट बी हेल्पफुल टू फाइंड आउट। हाँ, वो शॉर्ट है और स्वीट है और उनको लिटिल लिटिल टीन टीन मस्टैश है और हाँ, उनको उनको इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, समथिंग खरा इलेक्ट्रॉनिक्स। ए, कहीं ये हमारे जेठा भाई का एड्रेस तो नहीं पूछ रही है? हाँ या ओ हाँ हाँ हाँ, याद आया, माल है। अरे भाई, जेसी गड़ा मतलब जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। ओ या, जेठालाल गड़ा, हमको उनके घर जाना है। अच्छा, तो आइए आइए, मैं आपको गाइड करता हूँ। मैं दिखाता हूँ उनको, आइए आइए आइए। दिस वे, दिस इज अवर गोकुल धाम सोसाइटी, आई स्टे इन दैट वी, कभी फ्री हो तो आइए। अरे केयरफुल, वेरी केयरफुल, स्टेप्स आर वेरी डेंजरस, सो बी केयरफुल, ओके? कम कम। क्या बात है, लगता है हमारे पोपट भाई फॉरेनर पे मिट्ठू हो गए। ये फॉरेनर हिंदी बहुत अच्छा बोल लेती है। लेकिन ये जेठा भाई के घर में अचानक फॉरेनर कहाँ से आ गए? अरे वो जेठा भाई गए थे ना बिजनेस ट्रिप पे लंदन, वही फ्रेंडशिप हो गई होगी। फ्रेंडशिप? अरे हमारे जेठा भाई तो दया भाभी के अलावा किसी को मुंह उठाकर भी नहीं देखते हैं, फॉरेनर से फ्रेंडशिप का सवाल उठता ही नहीं। हाँ, पर कोई फॉरेनर तो जेठा जी से जरूर फ्रेंडशिप कर सकती है। पॉइंट। मैंने अभी भी कहीं पे पढ़ा था कि 65% ऑफ फॉरेन लेडीज को हमारे भारतीय पुरुष के साथ दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक हमारे भारतीय पुरुष काफी लॉयल होते अपनी वाइफ की तरफ, कभी झूठ नहीं बोलते और बहुत सीधे होते। काय के सीधे, मेरा रोशन मुझे रोज के रोज बोलता है मैं पार्टी शार्टी नहीं करूंगा, पार्टी शार्टी नहीं करूंगा, और रोज पार्टी शार्टी करके आता है। बापूजी, आप छाछ पियेंगे? नहीं बहू। ठीक है बापूजी। हाय भाभी। हेलो, हाय, सो गुड टू सी यू, हेलो। अरे अरे, हेलो, हाय लगू बापूजी, चाय जी नंजा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं बैठ सकती हूँ? हाँ बैठो। अरे आपको कहीं देखा है ऐसा लगता है। पहले बताइए मिस्टर जेठालाल कहाँ है? वो तो दुकान गए हैं। ओह नो, मैं तो उनको सरप्राइज देने आई थी। लेकिन बेटी, तुम हो कौन? Well, आप लोग मुझे कैसा पहचानोगी? हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, लेकिन मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। दाई बाबी, आपके जैसे गरबा पूरी इंडिया में कोई नहीं कर सकता। मुझे दिखाइए ना गरबा। हाँ हाँ जरूर, देखो पहले ऐसा करते हैं। मैंने आपका हाथ का मसाला थेपला खाया है।
Wow, it is so yummy. Thank you. पर आपने मेरे हाथ के ठेपले कब खाए? अरे लंदन में जेठला ने खिलाए. अच्छा मतलब तू जेठा को लंदन में मिली थी? हाँ लंदन में मैं उनकी टूर गाइड थी. हम पूरा लंदन साथ घूमे हैं. वो मेरे बगैर कहीं नहीं जाते थे. आपका नाम क्या है? मेरा नाम खेरी है. उन्होंने आपको मेरे बारे में कुछ बताया नहीं? नहीं बापूजी, टप्पू के पापा ने आपको इनके बारे में कुछ बताया है? नहीं, मुझे भी कुछ नहीं बताया, भूल गया होगा. हाँ, लंदन में वो भी पासपोर्ट बैग कहीं भी भूल जाते थे. अरे एक बार तो अपनी छोरन की बातों के ही भूल गए थे. My God, पूरी रात होटल सर पे उठा ली थी. अच्छा फिर? सबको परेशान कर दिया था. फिर वो चूरन की बोतल मिली कि नहीं? हाँ मिली कि नहीं. अरे बातों को अपने थकिए के नीचे रखकर भूल गए थे. वो बाबू चक इधर भी ऐसा ही करता है क्यों बाबू? हाँ हाँ बापू जी. लेकिन आपको कैसे पता चला कि चूरन की बोतल तकिए के नीचे है? वो बातों मैंने खुद तकिए के नीचे देख ली थी. ताई बाबी जेठला वेरी क्यूट, वेरी हैंडसम, वेरी गुड जेंटलमैन है. ऐसा जेंटलमैन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा. हाँ तो फिर? हाँ वो तो है. He is so sweet. You know, Papuji, उनको लंदन में बस जाने का मन हो गया था. वैसे कब आएंगे टप्पू के पापा? आप टप्पू के पापा को टप्पू के पापा कहके बुलाते हैं? हाँ लंदन में उनको प्यार से टप्पू के पापा के नाम से बुलाती थी. अरे बहू मेहमान के लिए कुछ चाय नाश्ता लाओ. हाँ नहीं बाबूजी, मुझे लेट हो रहा है. चाय नाश्ता किया, एक दिन खाना खाने आऊंगी. जरूर आना बेटा. टाइप बाबी, ये मेरा होटल का एड्रेस है, टापू के पापा को दे देना. ओके ओके. जय जिनेंद्र बाबूजी. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. गुड बाय, थैंक यू, सी यू, बाय बाय, गुड बाय, सी यू. आओ जे बेटा. अरे वाह, ये विदेशी लड़की के मुंह से जय जिनेंद्र सुन के बहुत अच्छा लगा है. और बहू हिंदी कितना अच्छा बोलती थी, एकदम सभ्य और सुशील लड़की थी. हैं क्यों बहू? हाँ जी बापूजी, टप्पू के पापा ने मुझे केरी के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? केरी, केरी के लंदन से गोकुल धाम में आते हमारी हंसती खिलखिलाती दया भाभी की देखिए, मुस्कुराहट भी गायब और आवाज भी गायब. दया भाभी अगर शक कर रही है तो गलत नहीं है, लेकिन मेरी चिंता इस बात की है कि दया भाभी के पेशेंस का ये जो टाइम बॉम्ब है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है. अगर ये काउंटडाउन खत्म हो गया और ये टाइम बॉम्ब फट गया तो डरिए मत. इधर ये टाइम बॉम्ब फटा और उधर आपके घर में ठाके ठाके हंसी हंसी मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा. और सोचिए कि आखिर दया भाभी करेंगी क्या. अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना.